हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी। फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कृषि भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया हो। चाहे आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं, जिस भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ अतिलघुत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। पहला क्या है भैया, व्यापारिक या फिर वाणिज्यिक कृषि क्या है इसके बारे में बताना है। तो ध्यान देखिए, व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि वह कृषि होती है जिसमें फसलों को भैया फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसको बाजार में बेचने के उद्देश्य से। ठीक है ना, क्या होता है वह कृषि जिसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है उसको बाजार में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से उसे व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। तो देखिए लिखा गया है, व्यापारिक कृषि एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। ठीक है ना, मतलब फसलें जो होती हैं उनका उत्पादन केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाता है, यानी बाजारों में बेचने के लिए किया जाता है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। ठीक है ना, यह भैया आधुनिक तरीका है जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है। जो इस प्रकार की खेती होती है उसमें भूमि जो है, जो कृषि क्षेत्र होता है काफ़ी बड़ा होता है, मेहनत भी बहुत लगती है। ठीक है ना, और बड़ी बड़ी मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा मशीनों का, सब कुछ लगभग मशीनों से ही होता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। मतलब वह कृषि जिसमें फसलें जो बोई जाती हैं उनका यही उद्देश्य होता है कि उनको बाजार में बेचना है। बाजार में बेचने के उद्देश्य से फसलें जब उगाई जाती हैं तो उसे व्यापारिक कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, बागवानी कृषि क्या है इसके बारे में बताना है। क्या है बागवानी कृषि क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा गया है, बागवानी एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। तो यह बागवानी कृषि है या तेजी से उभरता हुआ एक क्या है कृषि व्यवसाय है। बागवानी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उद्यान की खेती करना। ठीक है ना, उद्यान की खेती करना, यानी भैया बागानी कृषि में क्या होता है, फलों की, सब्जियों की, मशरूम की, ठीक है ना, उसके बाद फूलों की, किसकी एक कटनी है, फूलों की, सजावटी फूलों की, ठीक है ना, और पौधों, मसालों और औषधियों के आदि फसलों का जो है भैया प्रमुख स्थान होता है, इनका ही उत्पादन किया जाता है इसमें, जिससे किसानों का काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है ना, बागवानी को भैया भविष्य की खेती भी कहा जाता है, यानी जो बागवानी कृषि है उसको भविष्य की खेती भी कहा जाता है, जो किसानों के आय के साथ साथ किसानों के जीवन स्तर में भी क्या करता है, सुधार करता है। ठीक है ना, ध्यान देना, बागवानी कृषि क्या है, एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। ठीक है ना, बागवानी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है उद्यान की खेती करना। ठीक है ना, बागवानी कृषि में क्या होता है, फलों का, सब्जियों का, मशरूम का, फूलों का, ठीक है ना, पौधों का, मसालों का, इन सब का क्या होता है भैया फसलें, मतलब इन सब की फसलें बोई जाती हैं ताकि जो है किसानों का बढ़िया फायदा भी हो सके। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत है उसके पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं अगले पॉइंट पे अपने। अगला पॉइंट क्या है भैया, शुष्क भूमि ना, शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती क्या होती है। क्या है शुष्क भूमि कृषि, इसको सूखी भूमि कृषि भी कहते हैं, या फिर बारानी कृषि क्या होती है उसके बारे में बताना है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है शुष्क भूमि कृषि या बारानी खेती जो होता है सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है, मतलब एक ऐसी तकनीक जिसमें फसलों को बिना सिंचाई के उगाया जाता है। ठीक है ना, शुष्क भूमि, या फिर ऐसे कह सकते हैं आप शुष्क भूमि पर खेती करना, जहाँ पर पानी की
कमी होती है, जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहां पर खेती करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को शुष्क भूमि कृषि कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए लिखा गया है कि शुष्क भूमि, यह शुष्क भूमि के लिए उपयोगी है, या कृषि जो होती है शुष्क भूमियों के लिए उपयोगी होती है, मतलब जहाँ पानी बहुत कम मिलता है, यानी वह क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है ना, वह क्षेत्र जहाँ वर्षा बहुत कम होती है उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, वही भैया जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, और इसी को कहते हैं क्या, शुष्क भूमि कृषि या फिर बरानी खेती। ठीक है ना, दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो शुष्क क्षेत्रों में नमी की अनुपलब्धता में की जाने वाली आधुनिक तथा वैज्ञानिक खेती शुष्क खेती कहलाती है। कहने का मतलब यह है शुष्क क्षेत्रों में जहाँ नमी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, या फिर समझ लो ना की मात्रा पाई जाती है, जहाँ नमी की मात्रा कम होती है, वहाँ आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली कृषि को, की जाने वाली खेती को भैया शुष्क खेती कहा जाता है, या फिर शुष्क भूमि खेती कहा जाता है। ठीक है ना, आगे क्या है, इसके अंतर्गत सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई के ही फसलें उगाई जाती है। भैया इसमें क्या होता है, जो नमी रहती है उनको बढ़िया से संचित करके उनको बनाए रखने के लिए क्या होता है, उनको बना करके रखा जाता है, ताकि नमी जो है ज्यादा उड़ ना पाए, पानी वहां से ज्यादा वाष्पीकृत ना हो पाए। इसके लिए क्या किया जाता है, गुड़ाई काफी अंदर तक की जाती है, ताकि अंदर की जो नमी है ऊपर तक आ सके। ठीक है ना, आगे क्या है, इसमें फसलें कौन कौन सी बोई जाती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो फसलें बोई जाती हैं भैया, फसलें आपका क्या है, ज्वार, ठीक है ना, बाजरा, रागी, तिलहन, ठीक है, जैसे सरसों, सभी जो दलहन फसलें और तिलहन फसलें जो होती हैं, अरहर, चना, मसूर, बाजरा, इन सब की खेती भैया क्या होती है, इस मतलब आपके शुष्क भूमि कृषि में की जाती है, ये सब फसलें वहाँ उगाई जाती हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्ट छाया प्रदेश में जो होता है शुष्क खेती या फिर शुष्क कृषि की जाती है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विस्तृत खेती या फिर व्यापक कृषि क्या होती है, इसके बारे में बताना है। क्या होता है, विस्तृत खेती या फिर व्यापक कृषि क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो देखिए लिखा गया है, विस्तृत कृषि या व्यापक कृषि जो होता है एक कृषि की ऐसी प्रणाली है जिसमें मामूली लागत, यानी कहने का मतलब यह है कम पूंजी और श्रम के साथ बड़े खेतों में खेती की जाती है। ध्यान देना, जब जो कृषि प्रदेश है, कृषि क्षेत्र है, वो काफी ज्यादा कृषि भूमि जो है वह काफी ज्यादा बड़े बड़े रहे और वहां जो है पूंजी और लागत कम लगे, ठीक है ना, इस प्रकार की जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्यापक कृषि बोला जाता है। फिर से देखेंगे भैया, खेत जो होते हैं यहाँ बड़े बड़े खेतों में कम लागत और कम श्रम के साथ, कम मेहनत के साथ जो खेती की जाती है, जो फसलें उगाई जाती हैं, जो कृषि की जाती है, उसी को हम भैया क्या बोलते हैं, व्यापक कृषि बोलते हैं। ठीक है ना, इसका पालन जो होता है मध्य आबादी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। कहने का मतलब यह है, जो विस्तृत खेती होती है या फिर जो व्यापक कृषि होती है, या मध्यम आबादी वाले, जहाँ पर आबादी कम मिलती है वहां पर एक कृषि की जाती है। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर क्लियर हुई है तो मैं फिर से आपसे एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।